ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल 18 जनवरी 2019 शुक्रवार का दिन है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। चूंकि सायंकाल के समय प्रदोष तिथि लग जाएगी इसलिए प्रदोष का व्रत भी इस दिन रहेगा। रोहिणी नामक नक्षत्र जो कि 9:31 सुबह तक, उसके बाद मृगशिर नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। वृषभ राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दही या जौ खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहुकाल जो कि सुबह 10:30 से लेकर 12 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या फिर नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मकर राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध धनु राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष वृषभ मिथुन कर्क और सिंह 5 राशि वालों के नए काम होंगे शुरू। ये 5 राशि वाले लकी रहेंगे। 5 राशि वालों के लिए दिन सबसे अति उत्तम गति होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। किस्मत आपके साथ रहेगी, रुकावटें समाप्त हो जाएगी। आप अपने कुछ खास अनुभवों को दूसरों से शेयर करना चाहेंगे। आमदनी बढ़ाने के नए आइडियाज आपको मिल सकते हैं। जिन कामों की अभी तक आप अनदेखी कर रहे थे उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। नई बातें भी आपको पता चल सकती है। आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति आपको सही सलाह भी दे सकता है और आपकी मदद भी कर सकता है। आपको धैर्य रखना होगा। जरूरी काम पूरे होने से आप खुश भी हो सकते हैं। संतान से आपको सुख प्राप्त होगा। बिजनेस के काम से यात्रा हो सकती है। आज किया गया निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जीवन साथी से प्रेम रहेगा। दोस्तों या भाइयों की मदद से कोई जरूरी अधूरा काम आपका पूरा हो जाएगा। और उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में यदि आप गेहूं का दान करेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आपको मीठा बोल करके सभी काम पूरे करवाने होंगे। सारा काम अकेले न करे तो ही अच्छा रहेगा। लोगों की मदद से और लोगों के सपोर्ट से आपको जो भी काम करेंगे उसमें आपको लाभ होगा और दिन अच्छा साबित होगा। और साथ ही साथ कोई नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। समस्याएं सुलझाने के लिए आप ज्यादा उत्सुक रहेंगे। आपके मन में संदेह और संकोच समाप्त हो जाएंगे। आज आप कारोबार बढ़ाने के नए रास्ते भी निकाल सकते हैं। कर्जा चुकाने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। और उपाय के रूप में कच्चा दूध यदि आप पानी में डालेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मन में कई तरह के विचार आते रहेंगे। खुद के लिए अच्छा सोचे, नौकरी और बिजनेस में नए काम करने की कोशिश करेंगे तो सफल हो सकते हैं। और भाग्य की मदद से सारी योजनाएं आपकी पूरी हो जाएगी। मन चाहे परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। और कुछ नए और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होने की संभावना है। दोस्ती भी होगी, साथ ही आपका आकर्षण बढ़ा हुआ रहेगा। आप नौकरी से जुड़ी कुछ महत्वाकांक्षाएं भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। खुद को इम्प्रूव करने में आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। परिवार में कोई व्यक्ति आपसे महत्वपूर्ण सलाह भी ले सकता है। परिवार के साथ आपका समय व्यतीत होगा। कार्य क्षेत्र में नए लोगों से मुलाकात होने का योग है और उनसे संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। उपाय के रूप में हरी सब्जी का दान किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को करेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। रूटीन लाइफ में बदलाव हो सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात और बातचीत होती रहेगी। कुछ नए दोस्त भी आपको मिल सकते हैं। सितारों की स्थिति के अनुसार आपका जो भी काम चल रहा है या जो भी आपकी महत्वाकांक्षा है वो पूरी होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अपने किसी खास दोस्त के साथ मिलकर के आप काम निपटाने की कोशिश कर सकते हैं। अपने लिए कोई नया टारगेट सेट कर सकते हैं। पुराने प्रेमी से मुलाकात का योग बन रहा है। सामाजिक समारोह में मान सम्मान और कामकाज में सफलता आपको प्राप्त होगी। बिजनेस और नौकरी में अच्छे काम करने की कोशिश आप करेंगे। अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेंगे। और उपाय के रूप में यदि चावल का दान किसी भी मंदिर में करेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। कोई बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है। आपकी इच्छाएं और जरूरतें बढ़ी हुई रहेगी। धन लाभ होगा, थोड़ा संतोष जरूर रखें। महत्वाकांक्षाओं और अपने सपनों को पूरे करने के लिए आपको कोशिश करना होगी, उसमें सफलता भी आपको प्राप्त होगी। दिन अच्छा है। भविष्य में फायदा देने वाले निवेश के बारे में योजना आपके दिमाग में आ सकती है। निवेश के लिए सही तरीका आपके दिमाग में आ सकता है। समझौते का मन बना करके रखें। ऑफिस में आपको बकाया काम निपटाने पड़ सकते हैं। जिन लोगों का नजरिया सकारात्मक रहता है, आज आप उनसे जो है साथ में रहे और उनसे मिल करके रहे। जीवन साथी के साथ समय बिताने का अवसर आपको प्राप्त होगा। परिवार का पूरा समर्थन आपको प्राप्त होगा। उपाय के रूप में कोई भी मीठी चीज आप खाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। समझदार लोगों से सम्मान आपको प्राप्त होगा। सहयोग और सलाह भी मिलेगी। आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होगी जो आपसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं। पूरा दिन कामकाज में निकल सकता है। आपके लिए दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन में सुख मिलेगा। रोमांस के लिहाज से अच्छी स्थिति आपकी बन सकती है। अविवाहित लोगों को विवाह का ऑफर भी मिल सकता है। कोई प्रेम प्रसंग भी शुरू हो सकता है। परेशानी वाले मामलों को निपटा भी सकते हैं। नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। जिम्मेदारियां निभाने के लिए ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। आपके व्यक्तित्व में अच्छे बदलाव होना भी संभव है। परिवार के लिए समय निकाले। साथ घूमने का कार्यक्रम भी आपका बन सकता है। और उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में यदि आप हरे मूंग या मूंग की दाल दान करेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। किसी संवेदनशील विषय पर किस्मत का साथ आपको मिलेगा। आपके लिए दिन अच्छा है। करियर में नए रास्ते आपके सामने आ सकते हैं। कामकाज में भी मन लगेगा। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो तरक्की में जुड़ा हुआ रहेगा। मेहनत से बहुत सारा काम निपटाने की कोशिश आपकी सफल हो जाएगी। आपका प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जो आने वाले दिनों में आपके करियर के लिए खास है। पैसों के लिहाज से दिन अच्छा साबित हो सकता है। जोश के साथ होश में काम करेंगे तो फायदा आपका बढ़ सकता है। आपके अच्छे व्यवहार की तारीफ से लोग खुश हो जाएंगे। और उपाय के रूप में एक सफेद कपड़े का दान यदि आप किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को करेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। नौकरी या कारोबार में कुछ नया करने की आप कोशिश कर सकते हैं। किसी खास काम को निपटाने के लिए रिस्क भी ले सकते हैं। दोस्तों और घर वालों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। किसी खास विषय पर आप प्लानिंग बनाएं। अटका हुआ और रुका हुआ काम आपका पूरा हो जाएगा। भाइयों से लंबी बातचीत के योग बन रहे हैं। अपना नजरिया सकारात्मक रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी अवसर के लिए आप कोई उपहार भी खरीद सकते हैं। कोई वाहन या कोई नई वस्तु खरीदने का मन आपका बन सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको किसी के ऊपर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। शांति के साथ काम करना आपके लिए अच्छा साबित होगा। और उपाय के रूप में यदि आप गुड़ खा करके घर से निकलते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए सितारों की स्थिति बहुत अच्छी है। आपके व्यक्तित्व और जीवन शैली में अच्छे बदलाव हो सकते हैं। ससुराल के लोग या माता पिता से आपको मदद मिलेगी। प्रेमी जोड़ों को विवाह के लिए माता पिता की मंजूरी मिल सकती है। दिमाग में कई तरह के विचार भी आ सकते हैं। हर तरह की कठिन परिस्थिति में सकारात्मक रहे। प्रेम संबंधों में पुरानी बातों को भुला करके आगे बढ़े। पुराने वादे जरूर पूरा करें। बिजनेस से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आज आप ले सकते हैं। आपको मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। धैर्य से काम करें। कोई भी बड़ा फैसला पार्टनर की सहमति से आपको लेना चाहिए। उपाय के रूप में बेसन से बनी मिठाई गरीबों को दान करेंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। कोर्ट कचहरी और विवादों में सफलता का योग है। कार्यक्षेत्र में लोगों से खास बातचीत का असर दिख सकता है। आपके सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। किसी तरह की मदद भी आपको मिल सकती है। कुछ अनजाने लोगों से मुलाकात होने का योग बन रहा है। जिनसे आप मिलेंगे उनसे दोस्ती हो जाएगी। नजदीकी संबंधों में मजबूती बढ़ेगी। मन की बात कहने के लिए अच्छा समय है। पैसों की समस्या का कोई ना कोई समाधान आपको आसानी से मिल ही जाएगा। कोई पार्ट टाइम काम मिलने का योग बन रहा है। किसी कारण से आप लोगों का आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। रोजमर्रा के कामों में थोड़ी मेहनत करेंगे तो फायदा होगा। सेहत के मामलों में दिन बहुत अच्छा रहेगा। और उपाय के रूप में यदि काले तिल का दान आप शंकर जी के मंदिर में करते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आर्थिक रूप से फायदा होने का योग बन रहा है। अचानक धन लाभ होगा। आप पर कई तरह की जिम्मेदारियां रहेगी जिन्हें अच्छे से निपटाने की आप कोशिश में रहेंगे।
दोस्तों के साथ संबंधों में भावुक होने से बचे, सोचे हुए काम निपटाने की कोशिश करें, सहयोगपूर्ण रवैया रखेंगे तो फायदा होगा। शिक्षा और राजनीति में आप बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। परिवार से सहयोग मिलने का योग है। उन्नति में आने वाली ज्यादातर रुकावटें समाप्त तो हो जाएगी। सोचे हुए काम और आपकी बनाई हुई योजनाएं आज पूरी हो सकती है। उपाय के रूप में यदि कच्चे दूध का दान किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को करते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। पुरानी परेशानियों से आगे निकलने की कोशिश करें। कोई अनजाना व्यक्ति आपकी मदद भी कर सकता है। अपनी अलग ही इमेज बनाने में आप सफल हो जाएंगे। खास काम निपटाने के लिए दोस्तों और परिवार वालों की मदद आपको मिल सकती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। आगे बढ़ने के कुछ अच्छे अवसर भी आपको मिल सकते हैं। उपाय के रूप में आटे की गोलियां बनाकर यदि मछलियों को आप डालेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।